प्रधानमंत्री जी से तीन चार बड़े मुद्दे थे जिसके बारे में चर्चा हुई, समय पहले मांगा था और जो एजेंडा था उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन जो कल उनके माताजी का स्वर्गवास हुआ तो स्वाभाविक रूप से मैं सोच रहा था कि मीटिंग आगे टल जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी कल ही वापस आ गए थे और सारे उनके कल की व्यस्तताएँ और आज के भी कार्यक्रम को उन्होंने जस के तस रखा और उसके तहत फिर मेरी मुलाकात हुई। पहली बात तो ये है कि जो हमारे GST का जो पैसा रुका हुआ है 1300 करोड़ से अधिक की राशि, दूसरा कोयले की रॉयल्टी में जो पेनल्टी लगा है 4170 करोड़, और तीसरा जो रेलवे जो पैसेंजर ट्रेन है बार बार बंद हो जाती है, तो कम से कम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगे ना हो भविष्य ना हो, और चौथी बात यह है कि हमारे जो उद्योगपति हैं पहले ACCL से कोयला मिलता था, अब वो बंद कर दिया गया तो उद्योग संचालन करने में परेशानी होती है, तो ये चार बड़े मुद्दे थे जिसके बारे में मैंने चर्चा की। और फिर मिलेट्स 2023 का वर्ष घोषित है, मिलेट्स जो मैंने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट हमारे यहाँ है, शुरुआत लगभग 3 महीने पहले हमने उसे की और 22 प्रकार के उत्पाद भी हो रहे हैं, और हमने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया है और ख़रीदी भी हो रही है। पिछले साल ही 52,000 क्विंटल हमने मिलेट्स खरीदा और इस साल रकबा बढ़ा है तो मात्रा भी उससे बढ़ेगा। इस प्रकार से बातें हुई। बस्तर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मैंने दी, नक्सली किस प्रकार से पीछे हट रहे हैं और बस्तर के लोगों में जीवन में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है उसके बारे में चर्चा हुई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।